नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडीवी गौरव सैनी में। आज हम बात करने वाले हैं जज और मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है। हम जानेंगे जज किसे कहा जाता है, मजिस्ट्रेट किसे कहा जाता है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जज और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस जानने से पहले हम जानते हैं कि मामले कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि दो तरह के मामले होते हैं। पहला सिविल मामला और दूसरा होता है क्रिमिनल मामला। सिविल मामले को हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू के अंदर दीवानी मामले कहा जाता है। वहीं पर क्रिमिनल मामलों को हिंदी में दांडिक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहा जाता है। इसमें आगे हम जानते हैं सिविल मामलों की जानकारी CPC 1908 के सेक्शन 9 में मिलती है। सिविल मामले ऐसे मामले जिनमें अधिकार अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, और दांडिक मामले ऐसे मामले होते हैं जिनमें दंड की मांग की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जैसे आपके घर या जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो ऐसे वाद सिविल वाद कहलाता है। इसके अंतर्गत यदि आप कोर्ट में वाद प्रस्तुत करेंगे, जिसके अंतर्गत आप कोर्ट से कहेंगे कि आपको आपके घर आपकी जमीन पर आपका अधिकार दिलाया जाए, और साथ ही जितने समय तक वह अन्य व्यक्ति आपके घर या संपत्ति पर रहा है उसका कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति भी दिलाया जाए, तो यह मामला जो है यह सिविल प्रकार का मामला होगा। इसी के साथ में इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इस मामले को क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएं, जहां पर आप मांग करेंगे कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाए, उसे जेल में डाला जाए। ये दो तरह के अलग अलग मामले होते हैं। अगर आपने अधिकार या क्षतिपूर्ति की मांग की है तो इसकी सुनवाई जज मतलब व्यवहार न्यायाधीश ऐसे पीठासीन अधिकारी जो सिविल मामलों की सुनवाई करते हैं। वहीं पर यदि आपने दंड की मांग की है तो जो कोई ये मामले को सुनेगा उन्हें कहा जाएगा दंडाधिकारी, जिन्हें मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। तो मजिस्ट्रेट के पास ही मामला जाएगा, वो इसकी सुनवाई करेंगे। सिंपल वे में आपको बताऊं फ्रेंड्स, जज जिन्हें न्यायाधीश भी कहा जाता है, इनके द्वारा हमेशा सिविल मामले जिनके अंदर आपके अधिकार आपका अनुतोष या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, इस प्रकार के मामलों की सुनवाई हमेशा न्यायाधीश जज द्वारा की जाती है। और वहीं पर यदि किसी मामले में उस मामले से रिलेटेड दंड की बात की जाए, जेल की बात की जाए, सजा की बात की जाती है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई दंडाधिकारी जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है के द्वारा की जाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन जज एंड मजिस्ट्रेट। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि ये दोनों कहाँ बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, ये दोनों बैठते हैं लोअर कोर्ट में मतलब निचली अदालत में, सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद इससे ऊपर का न्यायालय आता है जो होते हैं जिला स्तर पर, वहाँ पर सिविल मामले जाते हैं जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहा जाता है, और क्रिमिनल मामले होते हैं वो जाते हैं सेशन कोर्ट में। जैसा हमने कभी कभी कहीं पढ़ा भी होगा कि जिला एवं सत्र न्यायालय, तो जिला एवं सत्र न्यायालय क्या कौन से न्यायालय कहलाते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठते हैं और जहाँ पर सेशन जज भी बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज वे जज कहलाते हैं जो कि सिविल मामलों के अंदर सुनवाई करते हैं, सेशन जज वे कहलाते हैं जो कि क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, हमेशा फ्रेंड्स लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट दोनों होते हैं। जो ही हम इनसे ऊपर की कोर्ट में जाते हैं वहां पे दोनों ही जज कहलाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो भी करेंगे वो न्याय होगा। मतलब लोअर कोर्ट से जो ही हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट में जाते हैं वहाँ दोनों ही अधिकारी जज कहलाते हैं, और दोनों को ही जज कहा जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि वे जो भी करेंगे वो न्याय होगा। इसके बाद ही हम जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर इन आपका होना ही मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का होना ही आपका होना ही न्याय हो जाता है। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है। मतलब न्यायमूर्ति का मतलब होता है जस्टिस, मतलब वही न्याय के प्रतिरूप हैं, उनका होना ही न्याय है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।